को एक यूनिक फीचर मिलता है जो कि अपाचे 160 में नहीं मिलता। So I said no, 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 it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute! गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं टीवीएस की दो बाइक, एक तरफ है टीवीएस राइडर 125 और एक तरफ है टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V। तो इन दोनों का करने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो। तो इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे आपको, क्या किस में आपको पावर ज़्यादा मिलेगा, किस में आपको माइलेज मिलेगा ज़्यादा, किस में फीचर ज़्यादा मिलते हैं और आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कौन सी बाइक होनी चाहिए, आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आप आपको टीवीएस की कोई भी बाइक या स्कूटर परचेस करनी हो, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के आसपास रहते हैं, तो आप एक बार क्लासिक टीवीएस डालीगंज जरूर विजिट करें। आपको टीवीएस की सारी बाइक, सारे कलर्स और सारे वेरिएंट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों बाइकों के फ्रंट साइड से सबसे पहले बता देता हूँ ये वेरियंट कौन से हैं। तो आप टीवीएस रेडर जो देख रहे हैं ये है डिस्क वेरियंट, इसमें आपको डिस्क मिलेगा लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। और बाकी जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये है टीवीएस अपाचे का ड्रम वेरिएंट, इसमें आपको रियर में तो डिस्क मिलता है लेकिन फ्रंट में तो आपको डिस्क मिलता है लेकिन रियर में डिस्क नहीं मिलता है। तो ये हैं दोनों बाइकों के वेरिएंट। और बाकी प्राइस बता देते हैं इसका, इसका प्राइस आ जाता है 1,12,000, 1,12,000 और इसका प्राइस आ जाता है 1,46,000, 1,46,000 इसका ऑन रोड प्राइस है, उसका ऑन रोड प्राइस है 1,12,000। तो प्राइस डिफरेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं कितने प्राइस में आपको किस में क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस राइडर के यहाँ पे फ्रंट साइड से, इसका आप लुक देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी इसको बनाया है टीवीएस ने। और जो 125cc की जितनी भी यहाँ पे बाइक आती हैं सबसे ज़्यादा स्पोर्टी आपको टीवीएस राइडर 125 ही देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लुक मिलता है, रेड कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। फ्रंट में आपको यहाँ पे टीवीएस की बैजिंग मिलती है जो कि 3D में आती है और उसके नीचे आपको रेडर की यहाँ पे बैजिंग मिलती है जो कि स्टिकर में यहाँ पे आती है। साइड में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि हाइलोजन बल्ब के इंडिकेटर्स आते हैं और ये काफ़ी हार्ड मटेरियल यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी हेडलाइट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुली यहाँ पे LED की हेडलाइट देखने को मिलती है जिसमें आपको DRLs जो है वो मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे इसके DRLs ग्लो होने पे लगते हैं। इसको मैं ऑन करके दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे ऑन होके कुछ इस तरीके की इसका DRLs लुक देते हैं। बाकी साइड में आपको थोड़ी बहुत फेयरिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। इस वाले साइड पे आपको इंडियन फ्लैग का यहाँ पे स्टिकर मिलता है और उसके नीचे इसका मडगार्ड देखेंगे तो ये डुअल टोन कलर में आते हैं, यहाँ पे रेड फिनिश मिलती है और पीछे की तरफ आपको ब्लैक फिनिश मिलती है। और दोनों में ही आपको फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। अगर फ्रंट ब्रेक की बात करें टीवीएस रेडर की तो इसमें आपको 200 यहाँ पे 40mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, इसमें आपको पेटल डिस्क ब्रेक मिलती है SBT टेक्नोलॉजी के साथ। और बाकी इसमें आपको फ्रंट अगर टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है 17 inches के, इसमें अलॉय व्हील आते हैं। तो अब दिखाते हैं आपको टीवीएस अपाचे आरटीआर 162V का फ्रंट लुक। तो कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट यहाँ पे लुक आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगती है देखने में और काफ़ी मस्कुलर आता है। काफ़ी लोगों को इसका जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी पसंद आता है और काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है टीवीएस अपाचे आरटीआर की। ऊपर आपको विंडशील्ड मिलती है काफ़ी बड़ी सी, तो यहाँ पे आपको जो है वो ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड मिलती है। विंडशील्ड जो है वो टीवीएस राइडर में नहीं आती है। बाकी इंडिकेटर्स देखेंगे तो दोनों में ही आपको सेम इंडिकेटर्स मिलते हैं, इसमें भी हैलोजन बल्ब के आते हैं और काफ़ी हार्ड मटेरियल है इसके इंडिकेटर्स। बाकी इसकी हेडलाइट आप देखेंगे तो हेडलाइट का यूनिट जो है वो ओवरऑल काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको फुली LED की हेडलाइट मिलती है। इसको मैं ऑन करके दिखाना चाहूँगा तो हेडलाइट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। इसके DRLs आप देखेंगे तो DRLs वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे टीवीएस अपाचे आरटीआर 160
टूवी का ही जो डिज़ाइन है फ्रंट, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगता है और काफ़ी बल्कि भी लगता है उसका। थोड़ा जो वह स्लिम सा यहाँ पे डिज़ाइन रखा है कंपनी ने। बाकी इसमें साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे कट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एयर इनटेक का काम करेंगे। एरोडायनामिक जो है वो बाइक के इससे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। इसका मेडगार्ड आप देखेंगे तो इसमें आपको डुअल टोन मेडगार्ड मिलेगा अपाचे में भी। और यहाँ पे आपको स्टिकरिंग मिलेगी जो कि टीवीएस राइडर में नहीं मिलती है, उसमें स्टिकरिंग वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टिकर मिलते हैं। बाकी इसमें आपको एबीएस की बैजिंग मिलती है, सिंगल चैनल एबीएस आता है इसमें। सुपर मोटो एबीएस की यहाँ पे आपको बैजिंग मिलती है, एबीएस उसमें नहीं आता है। उसमें एसबीटी ब्रेकिंग आती है, इसमें आपको एबीएस भी मिल जाता है। और फ्रंट में आपको 270 mm की पेटल डिस्क ब्रेक मिलती है। तो डिस्क ब्रेक का साइज़ जो है वो रेडर से काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको 270 mm की ब्रेक मिलती है, उसमें आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। बाकी टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 90x90 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ आता है। टायर जो है वो दोनों के यहाँ पे सेम सेक्शन के आ जाते हैं। बाकी अलॉय व्हील पे जो है वो टीवीएस रेसिंग के आपको बैजिंग मिल जाएगी अपाचे में, जो कि रेडर 125 में आपको नहीं मिलती है। और अब आते हैं साइड लुक पे, तो पहले आपको टीवीएस राइडर का जो है वो साइड लुक दिखा देते हैं कैसा क्या मिलता है। तो साइड से जब आप रेडर को देखेंगे तो काफ़ी आपको स्पोर्टीनेस इसमें फील होगी। काफ़ी ज़्यादा कट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, खास करके जो उसका फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि रखा गया है। काफ़ी मस्कुलर सा फ्यूल टैंक आता है और उस पर आपको जो टैंक शाउड है उस पर आपको टीवीएस की यहाँ पे हॉर्स का लोगो मिलता है, जो कि 3D में आता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। उसके नीचे आपको टीवीएस इंटेलिगो की यहाँ पे बैजिंग मिलती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो उसमें आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे ब्लैक पैनल यूज़ करा गया है और यहाँ पे आपको रेड कलर की यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक पे एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि टीवीएस अपाचे में आपको ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कराई गई है। बाकी इसके नीचे आते हैं इंजन, इसमें जो है वो 24.7 सीसी का एयर ऑयल कूल इंजन मिलता है, जो कि 11 PS के पावर प्रोड्यूस करता है और 11 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर इसका कैथलेटिक कन्वर्टर आता है। तो पावर की बात करें तो इसमें आपको पावर काफ़ी अच्छी मिल जाती है 125 cc के हिसाब से। बाकी टीवीएस अपाचे की बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 160 cc का इंजन मिलता है, जो कि एयर कूल्ड है। तो इसमें आपको ऑयल कूलिंग भी प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन इसमें आपको एयर कूल ही देखने को मिलता है। बाकी 15 PS की पावर मिलती है, 13 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो पावर के अगर बात करें तो पावर जो है वो आपको अपाचे में ज़्यादा मिलने वाली है, टीवीएस राइडर में आपको पावर जो है वो थोड़ी कम मिलने वाली है। और यहाँ पे इसका इंजन गार्ड देखेंगे तो रेडर में जो इंजन गार्ड है वो काफ़ी छोटा सा प्रोवाइड कराया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे अपाचे में, तो अपाचे में यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा इसका इंजन गार्ड आता है और काफ़ी ज़्यादा इसको भी अग्रेसिव बनाया गया है। टीवीएस रेसिंग की बैजिंग आती है, रेडर के इंजन गार्ड पे आपको कोई भी बैजिंग देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे इसका डिज़ाइन जो है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। लेग गार्ड दोनों में आपको सेम मिलते हैं, इसमें तो अभी एसेसरीज में लगेंगे तो इसमें अभी लेग गार्ड नहीं है, लेकिन यही सेम लेग गार्ड आपको टीवीएस राइडर में भी देखने को मिलता है। तो आप अपाचे भी दिखा देते हैं साइड से, तो साइड से कुछ इस तरीके का अपाचे का लुक आ जाता है। फ्यूल टैंक आप यहाँ पे अपाचे का देखेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर सा फ्यूल टैंक मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। टीवीएस की बैजिंग आपको यहाँ पे हॉर्स की मिल जाती है 3D में, और उसमें भी आपको 3D में ही बैजिंग मिलती है। और लेकिन अगर ग्राफिक्स की बात करें तो उसमें ग्राफिक्स यूज़ नहीं हुए हैं, लेकिन अपाचे में जो है वो ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करे हैं टीवीएस ने। और यहाँ पे आपको एक अलग से पैनल मिल जाता है, जो कि RTFI इस पर लिखा हुआ है। RTFI मतलब रेस टोन फ्यूल इंजेक्शन इसमें आता है, और यहाँ पे एक अलग से इसको पैनल दिया गया है, काफ़ी अच्छे से इसको भी माउंट करा है टीवीएस ने। बाकी अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो उसमें आपको 12 लीटर की मिलती है, उसमें 10 लीटर की मिलती है। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी में आपको टीवीएस अपाचे में ज़्यादा मिलती है, इसको एक ये पॉइंट जाता है। बाकी आपको रेसिंग सिंस 1982 की यहाँ पे बैजिंग मिलती है, और कोई भी यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट वगैरह अपाचे में नहीं मिलता है, जो कि टीवीएस राइडर में आपको मिलता है। और यहाँ पे आते हैं इसके फुटरेस पे, तो अपाचे में आपको फोल्डेबल फुटरेस मिलते हैं, जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आते हैं, जबकि रेडर में भी आपको यही सेम फुटरेस भी देखने को मिलते हैं। तो फुटरेस में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी साइड में आपको यहाँ पे कार्बन फिनिश मिलती है, और अपाचे की बैजिंग आपको जो है वो स्टीकर में मिलती है। और अगर मैं रेडर की दिखाऊँ,
रेडर में आपको 3D बैजिंग मिलती है रेडर की, और यहाँ पे लेकिन कोई भी कार्बन फिनिश नहीं यूज करी गई है। बाकी इसके फुटर्स भी दिखा देते हैं आपको, सेम फुटर्स दोनों में आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये अपाचे के फुटर्स हैं और यहाँ पे आपको रेडर के फुटर्स देखने को मिलते हैं। और अब दिखाते हैं इसका एग्जॉस्ट। अगर आप अपाचे की बात करें तो अपाचे का एग्जॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा सा आ जाता है, काफ़ी बल्कि सा इसका एग्जॉस्ट आता है। एग्जॉस्ट के ऊपर आपको क्रोम फिनिश मिलती है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं शायद RTR की बैजिंग मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने पर। वहीं आपको TVS रेडर में जो एग्जॉस्ट मिलता है वो थोड़ा स्पोर्टी सा मिलता है, थोड़ा छोटा यहाँ पर रखा गया, और उसके ऊपर आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलती। यहाँ पे सिल्वर फिनिश का जो है वो रेडर में यूज़ करा है TVS ने। दोनों का आपको एग्जॉस्ट नोट कराते हैं, कैसा क्या एग्जॉस्ट नोट है। तो पहले आपको रेडर 125 का एग्जॉस्ट नोट कराते हैं, तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। पहले देखते हैं न्यूट्रल में है बाइक या नहीं है, तो न्यूट्रल में है बाइक, स्टार्ट होगी। इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट देखने को मिलता है, तो उसका एग्जॉस्ट और अब कराते हैं आपको TVS अपाचे RTR 160 2V का एग्जॉस्ट नोट। तो इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं न्यूट्रल में है या नहीं है बाइक। तो न्यूट्रल में है ये, तो इसको ऑन करते हैं। तो इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट नहीं मिलता है इसका एग्जॉस्ट नोट करिए। दोनों में से आपको किसका एग्जॉस्ट नोट पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे अपाचे का एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा पसंद आया। उसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा स्पोर्टी साइड पे, इसका जो है वो थोड़ा बेसिस स्टाइल में है, थोड़ा बेस आता है इसके एग्जॉस्ट में। अब बात करते हैं दोनों के रियर टायर और ब्रेक की। TVS रेडर में जो है आपको 130mm की यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलती है, और इसमें आपको LBD टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई गई है, जिससे अगर आप इसकी रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उससे थोड़े से रेशियो में आपका फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होगा, जिससे आपकी ब्रेकिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर बात करें इसके टायर की, तो रियर में आपको जो टायर मिलता है वो यहाँ पे 100x90 सेक्शन का मिलता है, 17 इंच के, जिसमें अलॉय व्हील आते हैं। और अब बात करते हैं अपाचे RTR 160 की, तो इसमें भी आपको 130mm की यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, क्योंकि ये ड्रम ब्रेक वाला ऑप्शन है। इसमें एक डिस्क वाला भी ऑप्शन आता है, जिसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिलती है। और अगर अब बात करें अपाचे के टायर साइज की, तो इसमें आपको 110x80 सेक्शन का टायर मिलता है, 17 इंचेस के अलॉय व्हील आते हैं। तो टायर साइज़ जो है वो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बाकी अगर सस्पेंशन की बात करें तो अपाचे में आपको रियर में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, और जबकि रेडर में आपको जो है वो यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि मुझे जो है पर्सनली रेडर 125 के सस्पेंशन काफ़ी पसंद आए हैं, और ये एडजस्टेबल हैं, जबकि आपको अपाचे में एडजस्टेबल यहाँ पे सस्पेंशन प्रोवाइड नहीं कराए हैं TVS ने। अब दोनों का टेल सेक्शन दिखाते हैं आपको, कैसा क्या इसमें आपको टेल सेक्शन मिलता है। तो अपाचे की टेल लाइट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी इसकी टेल लाइट है, रात में जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। और मुझे पर्सनली टेल लाइट की अगर बताऊँ मैं, तो अपाचे की टेल लाइट ज़्यादा पसंद आई है। इंडिकेटर जो आपको हाइलोजन बल्ब के मिलते हैं, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट माउंट करने में मिलता है, और नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे लाइट भी आपको दी गई है। और अगर बात करें TVS की रेडर 125 की, तो इसमें भी आपको LED टेल लाइट मिलती है, लेकिन उतना ज़्यादा अपीलिंग इसका डिज़ाइन नहीं है जी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि TVS ने खाली फ्रंट में ही काम करा है, रेयर को उतना काम नहीं करे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है इसकी टेल लाइट लगती है। और यहाँ पे आपको की स्लॉट मिल जाता है, इसके बारे में आपको एक आगे चीज़ बताऊंगा। और बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि हैलोजन बल्ब के आते हैं, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट माउंट करने का मिलता है, नंबर प्लेट की लाइट मिल जाती है, TVS की यहाँ पे बैजिंग आपको मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं इसकी सीट की, तो आपको 790mm की सीट हाइट मिलती है, जबकि रेडर में आपको 780mm की सीट हाइट मिलती है। तो सीट हाइट जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे रेडर में आपको कम मिलती है। अगर आप थोड़े शॉर्ट राइडर हैं तो आपको रेडर चलाने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। बाकी सीट अगर अपाचे की बात करें, तो यहाँ पे अच्छी खासी लंबी सीट मिल जाती है, इसमें आपको स्प्लिट सीट तो नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे स्टेप अप जो आपको पिलियन के लिए मिलता है। बाकी कुशनिंग जो है वो काफ़ी डिसेंट है, ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है।
अब बात करते हैं रीडर की सीट की। तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है थोड़ा स्पोर्टी बनाने के लिए। यहाँ पे आपको पिलियन के लिए भी जगह काफ़ी मिल जाती है, राइडर के लिए भी जगह आपको काफ़ी मिलती है। और उसकी कुशनिंग आप देखेंगे तो कुशनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। आप आज के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी कुशनिंग है रीडर 125 की। बाकी ग्रैब हैंडल देखेंगे तो इसमें आपको सिंगल ग्रैब हैंडल मिलता है, जबकि अपाचे में आपको स्प्लिट टाइप के यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलते हैं। साइड में आपको RTR 160 की बैजिंग मिल जाती है। ग्राफिक्स साइड में भी यूज़ करे गए हैं, जबकि रेडर 125 में आपको साइड में कोई भी ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब दिखा देते हैं दोनों बाइक की चाबी कैसी है दोनों बाइकों की। तो कैमरा बहुत ब्लर हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो अपाचे की जो है वो कुछ इस तरीके की आती है, काफ़ी नॉर्मल सी की है, और अगर इसमें वेव की दी जाती तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। और अब दिखाते हैं रेडर की। तो रेडर की जो चाबी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, इसमें आपको वेव की देखने को मिलती है जो कि आपको 160 में नहीं मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं TVS राइडर 125 की यूनिक फ़ीचर की। इसमें आपको एक यूनिक फ़ीचर मिलता है जो कि अपाचे 160 में नहीं मिलता है। तो दिखा देते हैं आपको, यहाँ से आप जैसे इसमें की डालेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि RTR 160 में नहीं मिलता है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, या अगर मैं वॉलेट रख के दिखाऊँ उसमें तो यहाँ पे आप आराम से अपना पर्स वगैरह रख सकते हैं, या थोड़े बहुत जो बाइक के साथ पेपर्स वगैरह मिलते हैं वो भी यहाँ पे आप कैरी करके ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट जो है वो इसमें फीचर दिया गया है थोड़ा बहुत अंडर साइड स्टोरेज का। तो उसको बंद कर लेते हैं। तो अब दिखाते हैं इसका स्टीयरिंग क्लस्टर। पहले दिखाते हैं आपको अपाचे 160 का स्टीयरिंग क्लस्टर। तो इसका इग्निशन ओपन करते हैं तो इसमें आपको फुली डिजिटल स्टीयरिंग क्लस्टर मिलता है, और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। बाकी इसमें आपको RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, और उसमें दो ट्रिप मीटर आते हैं। बाकी इसको अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो उसमें आपको हाई स्पीड दिखा देगा, और बाकी आपको 0 to 60 आपने कितने सेकंड में अचीव किया वो भी दिखा देगा। बाकी इसमें आपको ऑडोमीटर दिखाएगा, trip 1 trip 2, बाकी इन्फॉर्मेशन इतनी ही आती है इसमें। लो बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, ये सब भी दिखा देगा। और इसमें ABS की लाइट आती है, इंजन मलफंक्शन की लाइट आती है, न्यूट्रल की लाइट आती है, लो फ्यूल इंडिकेटर और टर्न सिग्नल की लाइट वगैरह, हाई बीम की लाइट सब इसमें आती है। और बाकी इसमें आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इसमें इस टाइम रेन मोड लगा हुआ है, तो जैसे ही आप चेंज करेंगे इसमें आपको यहाँ पे अर्बन मोड मिल जाएगा, और फिर इसको आप चेंज करेंगे तो इसमें आपको स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाएगा। तो 3 मोड इसमें आपको दिए गए हैं, आप अपनी राइड के हिसाब से इसके मोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं TVS रेडर 125 के स्टीयरिंग क्लस्टर की। तो इसमें भी आपको फुली डिजिटल स्टीयरिंग क्लस्टर मिलता है, लेकिन इसमें आपको TFT वाली स्क्रीन मिलती है जो कि काफ़ी कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। इसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती, इसके दूसरे वेरिएंट में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट मिलती है, और यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है, सॉरी यहाँ पे आपको जो गियर इंडिकेटर मिलता है। तो अगर आप फर्स्ट गियर या सेकंड गियर कुछ भी लगाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इस टाइम ये बाइक न्यूट्रल है, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल दिखा रहा है। बाकी आपको स्पीडोमीटर मिलता है, इको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसमें आपको 2 मोड मिलते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको इको और पावर का जो है वो डेडिकेटेड स्विच मिलता है। अगर आप इसको पावर पे करेंगे तो यहाँ पे पावर लिख के आएगा, और ये बाइक आपको पावर जो है वो अच्छा प्रोवाइड कराएगी। बाकी अगर आप इसको इको पे चलाएंगे तो उसमें आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो कम मिलेगी। बाकी ऑडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको इंजन मैनफंक्शन की लाइट मिल जाएगी। बाकी अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे पहले रेंज दिखा रहा है, और इसमें आपको एवरेज भी पता चल जाएगा कि रियल टाइम ये बाइक एवरेज आपको क्या दे रही है। और बाकी इसमें आपको ट्रिप ए मिल जाएगा, ट्रिप बी, और इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। तो अगर मैं स्टीयरिंग क्लस्टर की बात बताऊँ तो मुझे रेडर 125 का स्टीयरिंग क्लस्टर वो ज़्यादा अपीलिंग लगा है, और इजी टू रीड भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी इसका स्टीयरिंग क्लस्टर लगता है। स्विच की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले अपाचे की स्विच की बात करते हैं। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है जो कि रेडर 125 में नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको मोड का जो है वो स्विच मिल जाता है, स्टार्ट का स्विच मिलता है। इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट नहीं मिलता है, जबकि रेडर 125 में आपको साइलेंट स्टार्ट प्रोवाइड कराया है TVS ने। लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम लो बीम का स्विच मिलता है, यहाँ पे पास का स्विच मिलता है,
टर्न सिग्नल का स्विच, नीचे हॉर्न का स्विच, और बाकी अगर रेडर की बात करें तो यहाँ पे आपको इको और पावर का स्विच मिलता है, जो कि उसमें भी मिलता है लेकिन उसमें थोड़ा छोटा सा है, इसमें थोड़ा यहाँ पे पूरा स्विच ही यहाँ पे बना दिया है। लेकिन अगर इसमें जो इंजन के स्विच दिया जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको स्टार्ट का स्विच मिलता है, इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है। बाकी लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम लो बीम की लाइट मिलती है, टर्न सिग्नल की लाइट, नीचे हॉर्न की लाइट, और यहाँ पे आपको येलो कलर का पास का स्विच मिलता है। तो स्विच की क्वालिटी दोनों की दमी ज़बरदस्त है, टॉप नॉच क्वालिटी यहाँ पे है। और बाकी अगर हैंडल बार की बात करें तो दोनों में ही सेम हैंडल बार आते हैं, यहाँ पे रेडर के ये हैंडल बार है और अपाचे में भी कुछ इसी तरीके के हैंडल बार आते हैं। ब्रेक लीवर और गियर लीवर दोनों की, वही ब्रेक लीवर और क्लच लीवर दोनों की क्वालिटी यहाँ पे सेम है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ओवरऑल यही था इन दोनों का डिटेल रिव्यू। बाकी अगर इन दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों में 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है दोनों ही बाइकों का, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करेंगे तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं बताऊँ आपको इन दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक परचेस करनी चाहिए, तो अगर आप एक यहाँ पे कम्यूटर बाइक देख रहे हैं जिसमें आपको लुक्स भी अच्छे मिले, फीचर्स भी उसमें काफ़ी हों, उसमें आपको माइलेज भी अच्छा मिले, तो आप रेडर 125 की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा यहाँ पे टूरिंग वगैरह करनी है, थोड़ी लॉन्ग राइड आप करते हैं, हाईवे पे चलते हैं, और अगर आप और आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए बाइक का, तो आप TVS अपाचे RTR 160 की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे पावर मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको माइलेज कम मिलेगा। माइलेज बता देते हैं, इसमें आपको 45 से 49 KMPL तक का माइलेज मिल जाएगा। बाकी रेडर में आपको जो है 55 टू 60 KMPL तक का माइलेज मिल जाएगा। तो माइलेज के मामले में जो है वो आपको TVS अपाचे वही TVS राइडर आपको अच्छी मिलेगी, और वहीं आपको परफॉर्मेंस के उसमें आपको TVS अपाचे RTR काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो दोनों ही बाइक अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी हैं, बाकी अपनी अपनी पर्पस होती है कौन किस पर्पस से जो है वो बाइक ले रहा है। तो ओवरऑल यही था आज का इस वीडियो में, तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और अगर आपका इन दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम की बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।